तो गुड्डू भैया अभी हम अपने कौन से ब्लॉक में खड़े हैं? अभी हम विकल भाई हम जो खड़े हैं अभी अपने सी ब्लॉक में खड़े हैं, और जो सी ब्लॉक है मेरा आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो अपनी वेव सिटी है। हम बिल्कुल वेव सिटी के बिल्कुल बैक में खड़े हैं और ये मेरी प्राइम लोकेशन है, इस क्षेत्र की सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन। और विकल भाई अभी मैं एक साइड एक लेवन चोर करने वाला हूँ, डी ब्लॉक, जो ये मिट्टी पड़ रही है ये अपना डी ब्लॉक है विकल भाई, जो मैंने अभी लॉन्च किया है। विकल भाई मेरा यहाँ माल इतनी तेजी से बिक रहा है कि आपने कुछ दिन पहले मेरी वीडियो बनाई थी बी ब्लॉक की और सी ब्लॉक की, मेरे पास बी ब्लॉक में इन्वेंट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो अपना ए ब्लॉक है, जो देख रहे हैं आप झंडे लगे हुए हैं, जिस पे आप झंडे लगे हुए देख रहे हैं वो अपना ए ब्लॉक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प प्रॉपर्टी ब्लॉग्स में। दोस्तों हम आ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के प्यार पर, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया इस साइट की वीडियो को, सिवा स्मार्ट सिटी सेकंड जो कि पड़ती है गाजियाबाद लाल कुआं से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर और NH 91 से 500 मीटर की दूरी पर, पूरा काला पक्का रोड आता है, ऑटो चलते हैं, सारी चीजें हैं। ये एंट्री है कॉलोनी की और यहाँ पर आपको मिलने वाला है प्लॉट पर भी 80% लोन, दुकान पर भी 80% लोन और मकान पर भी 80% लोन। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम चलते हैं वीडियो में आगे, मिलाते हैं आपको यहां के मैनेजर गुड्डू प्रजापति जी से। तो आ गए दोस्तों हम ऑफिस में और मिलाते हैं आपको गुड्डू प्रजापति जी से। नमस्कार गुड्डू भैया, कैसे हैं आप? कैसे हो सर आप? गुड्डू भैया फिर से आए हैं, डिमांड बहुत आ रही है कि मकान चाहिए और साथ में लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी का 50 गज मकान का बजट ना हो तो पर छोटा है अपने पे कोई? हाँ भैया छोटा मिल जाएगा। कितने गज का? भैया देखो छोटा मकान अभी मैंने बनाना स्टार्ट करा है, जैसे कि वो भी मैं ऑर्डर पे बनाता हूँ, अगर आप मेरे यहाँ बुक कराएंगे तो ही मैं बनाऊंगा क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है। वैसे 50 गज का मकान 22 लाख रुपए का है और 60 गज अगर आप मेरे यहाँ लेते 40 गज का मकान, तो भैया 40 गज का मकान मैं आपको दे रहा हूँ 18.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए जमा करो और मकान की चाबी ले। ऑफिस का एड्रेस बताइए साइट का। ऑफिस का जो एड्रेस है आप जैसे गाजियाबाद लाल कुएं से दादरी की तरफ जब आते हैं तो छपरोला पुलिस चौकी के पास है ये मेरी सोसाइटी और वेव सिटी के बिल्कुल बैक में है भैया। एक बार सर फिर दिखवा दीजिए साइट थोड़ा। हाँ बिल्कुल अभी दिखवाता हूँ भैया। तो गुड्डू भैया पिछली बार जब हम आए थे तो इसमें मिट्टी में रोलर चलवा रहे थे आप, अभी क्या काम करवा दिया? क्या है कि अभी मैंने ये रोड इसलिए छोड़ रखा ताकि ये जितना दब सके वो दब जाए, फिर इस पे मैं RCC रोड डलवाऊंगा। अभी इसमें सर रोड़ी वगैरह डाल दी है। हाँ, रोड़ी डाल के रोलर चला दिया है। आप देखिए दोस्तों रोड़ी वगैरह यहाँ पे पड़ चुकी है, रोलर चल चुका है और अब ये इंतजार किया जा रहा है कि जितना बैठना हो उतना बैठ जाए। जी 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 जी। तो लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा सर? अभी मैं अगले महीने से काम इसका चालू करने वाला हूँ, ठीक है जी। और ये हमारे गुप्ता जी हैं, मैंने गुप्ता जी को अभी पिछले हफ्ते इन्होंने रजिस्ट्री कराई है यहाँ। क्या बात है, बात कर ले सर से। हाँ जी एक बार बताइए सर। सर गुप्ता जी कहाँ से रहने वाले आप? हम सहारनपुर के रहने वाले। अच्छा तो अभी यहाँ पर आए हैं, गुड्डू भैया से ही लिया प्लॉट आपने? हाँ जी। प्लॉट लिया सर, मकान लिया? प्लॉट लिया अभी। अच्छा रजिस्ट्री वगैरह हो गई? रजिस्ट्री हो गई। इनका व्यवहार कैसा है? ये तो कहने लायक चीज नहीं है। मतलब कहने लायक चीज नहीं है, बुरा है व्यवहार? नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा व्यवहार है, इसीलिए तो कहने लायक नहीं है। मतलब जैसे ये वीडियो में दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही है ना? उससे भी एक मतलब 10% 20% ऊपर ही है। तो गुड्डू भैया मतलब भरपूर प्यार मिल रहा है सभी का। देखो मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे यहाँ आ जाता है वो मेरे परिवार का बन जाता है। और भैया जी हम यहाँ, मैं आपको बताऊं यहाँ जितने भी अपने भाई हैं सब अच्छे लोग हैं और सर ने अभी एक पिछले हफ्ते ही रजिस्ट्री कराई है, कॉर्नर का प्लॉट लिया है, अभी मिस्त्री से बात करने के लिए आए घर बनवाने के लिए, ठीक है ना। और हम यहाँ खाली प्लॉट भी देते हैं और मकान भी देते हैं। आप खाली प्लॉट लेंगे तो रोड से 2.5 फुट ऊंचा मकान बनाएंगे, छज्जा 3 फुट का निकालेंगे और समरसेबल घर के अंदर बनाएंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनके यहाँ लागले बेट कुछ नहीं है, मतलब जो बात है सामने है, सामने बात है, खुली बात है, कोई भी बात हिडन नहीं होती। और ये जो सिस्टम है इनके यहाँ का सोसाइटी का सर, कि आपको 2.5 फिट का ही DPC हाँ, करना है, हाँ, हाँ। छज्जा भी आपको 2.5 फिट ही रखना है, ये भी एक यूनिफॉर्म है ना। तो ये मतलब इससे क्या है कि कोई सुंदरता आ जाती है कॉलोनी में, कोई रोड नहीं घेरता, समरसेबल घर के अंदर करनी है। तो इन चीजों को मतलब देख करके ये एक सोसाइटी बन गई। मैं अपने एक टाउनशिप बसा रहा हूँ और भैया माल भी इतनी तेजी से बिक रहा है कि बाबा शाम की कृपा, बहुत तेजी से माल बिक रहा है।
तो गुड्डू भैया अभी हम कहाँ खड़े हैं इस समय? भैया हम जो खड़े हैं अपने शिवा स्मार्ट सिटी के बी ब्लॉक में खड़े हैं, और वो अपना जो दिख रहा है वो ए ब्लॉक है भैया, जो ये व्हाइट वाले मकान है कंप्लीटेड जी, जिनमें पानी की टंकी, ये आपका है ए ब्लॉक? ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है भैया। अच्छा तो भैया हम थोड़ी देर पहले सी ब्लॉक में, पीछे आपका सी ब्लॉक है और डी ब्लॉक भी बढ़ा दिया है, डी ब्लॉक हमने तैयार कर दिया। तो भैया ये बताओ मुझे, ये जो लाइन से ये देख रहा हूँ मैं, ये क्या चीज है? ये भैया कॉमर्शियल शॉप है, ये कॉमर्शियल दुकान जो है। अभी आपको एक चीज और मैं बता दूं, मेरे यहाँ रेट बढ़ चुका है, पहले मेरा रेट कम था, अब जो रेट हो गया 50 गज का, मेरे यहाँ अगर खाली प्लॉट लेंगे वो 11.5 लाख रुपए का है, और मकान लेंगे तो वो 22 लाख रुपए का, और दुकान लेंगे तो वो 13.5 लाख रुपए की दुकान है भैया। आप 13.5 लाख की दुकान है सर? कितने गज में दुकान है सर? ये 20 गज की दुकान है भैया। इसमें छत हमारी रहेगी? छत आपकी है, नीचे से जड़ से छत आपकी है पूरी। मतलब अगर कोई चाहे नीचे दुकान और ऊपर अपना एक कमरा बना करके रह ले? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं भैया, 3 मंजिल बना सकते हैं। इसमें आप डाउन पेमेंट मात्र दुकान में 3 लाख रुपए जमा करो, बाकी का आपका बैंक लोन भैया। तो गुड्डू भैया ये हैं दुकानें सारी? हाँ भैया, ये देखो दुकान ये है जिसका 10 फुट फ्रंट है, और अभी लेंटर खुल रहा है इनका, ठीक है, लेंटर खुल रहा है, उसकी जो गहराई है वो 18 फिट की गहराई है भैया। क्या बात है, 10x18 की दुकान है जी भैया। और ये भैया अपना मेन रोड है सोसाइटी का, और एक मेन रोड इधर से है, ये 120 गज में पार्टी ने खुद से घर तैयार करा है। क्या बात है सर, बढ़िया मकान बनाया है, एक नंबर। ये पार्टी ने खुद से तैयार करा है, मेरे यहाँ आप पार्टी खुद से बनाना चाहे खुद से भी घर बना सकती हैं। तो गुड्डू भैया आप ना थोड़ा सा ना मेन मुद्दे की बात करो कि यहाँ पर पहली बात तो मार्केट कितनी दूरी पर है, स्कूल कितनी दूरी पर है, जरूरत की चीजें कितनी दूरी पर मिलेंगी? भैया मैं आपको बता दूं, अगर मेन मार्केट की बात करते हैं तो 500 मीटर बाहर मार्केट है, स्कूल है और हॉस्पिटल भी है, ठीक है भैया। और वैसे मेरी सोसाइटी में दुकानें आपने दिखाई दी हैं, दुकानें जो तैयार हो रही हैं, ये सेंट्रल मार्केट है जिसमें दुकानें तैयार हो रही हैं, ठीक है भैया जी। यानी परचून की दुकान, दूध डेयरी, स्टेशनरी, ये सब तो अंदर ही मिलेगा, सब कुछ यही अंदर ही मिलेगा। लेकिन जो जैसे कोई बड़ा चीज लेनी हो, टीवी लेना हो और कुछ लेना हो, मोबाइल लेना हो, तो उसके लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा? बाहर 500 मीटर बाहर, मात्र 500 मीटर बाहर मेरी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के 500 मीटर बाहर दुकानें हैं। और स्कूल के बोर्ड तो अंदर ही लग रहे हैं, स्कूल वगैरह यानी कि पास में ही है सर? हाँ जी पास में है, स्कूल की गाड़ी भी अंदर आती है, गांधी आइडल स्कूल और इंग्लिश मीडियम सारी चीजें, मतलब बस वगैरह सब आती है यहाँ पे जी भी। अच्छा मेन सर अब बात बताओ, अगर कोई यहाँ पे प्लॉट खरीदेगा अब तो क्या रेट है आपका? भैया जी अगर आप खाली प्लॉट अब मेरे यहाँ खरीदते हैं, पहले से रेट मेरा बढ़ चुका है, मैं आपको फिर एक बार रेट अपडेट करा देता हूँ। अब आप 50 गज का खाली प्लॉट लेते हैं वो 11.5 लाख रुपए का है, जिसमें आप 40% जमा करो, 80% बैंक लोन है खाली प्लॉट पे। और भैया अगर आप मेरे से मकान लेते तो मकान 22 लाख रुपए का है 50 गज का, जिसमें आप 20% जमा करो यानी कि 4 लाख रुपए, और बाकी का आपका बैंक लोन हो जाएगा भैया। फिनिशिंग ऐसे ही देते हो सर? बिल्कुल फिनिशिंग ऐसे ही देते हैं। ये हमारे बनाए हुए मकान है सर? ये भैया हमारे बनाए हुए मकान है। क्या बात है, शर्मा जी का मकान है, शर्मा जी वो खड़े हुए धूप ले रहे हैं अभी जरा। तो इस तरीके की फिनिशिंग के साथ में ही मकान देते हो सर? हाँ भैया, जो हम काम कर रहे हैं इस टाउनशिप जो हम बसा रहे हैं, सिवाय स्मार्ट सिटी सेकंड जो है, और ये भैया लाल कुएं से जो हमारी जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, और बाहर मेन जीटी रोड से जो 500 मीटर अंदर है, भैया जो चीज़ हम कहेंगे वो हम सत्य करते हैं, और मैं जो मेरे कस्टमर है वो भी मुझ पर विश्वास करते हैं इस चीज़ का। और मैं आपको बता दूँ सबसे तेज़ी से बिकने वाली ये मेरी साइड है, अभी आपने देखा है मेरा ए ब्लॉक बिक गया, बी ब्लॉक बिक गया, सी ब्लॉक भी खत्म हो गया, और अब जो है डी ब्लॉक की तैयारी चल रही है, मतलब डी ब्लॉक में भी मिट्टी वगैरह पड़ने लगी है, मिट्टी वगैरह पड़ने लगी है। अगर आप अभी जल्दी आके बुक कराएंगे तो आपको डी ब्लॉक में इन्वेंट्री मिलेगी भैया, और उसमें मैं आपको एक छोटा सा डिस्काउंट जरूर दे के चलूंगा अगर आप जल्दी में आप आके शुरुआत में आते हैं अगर प्री लॉन्चिंग पे। जी भैया जी, क्या बात है। तो सर अब एक बार गज का रेट बताओ पूरा। भैया गज है 23,000 रुपए गज का रेट है, और स्टार्टिंग रेट जो है वो मेरा 23,000 रुपए गज से स्टार्ट है भैया, ठीक है। और आपका अगर मैं मकान की बात करूँ 50 गज में तो कितने का पड़ेगा सर? 50 गज का मकान 22 लाख रुपए का है, 60 गज का मकान 26 लाख रुपए का है, और 70 गज का मकान 30 लाख रुपए का है। अच्छा अगर मैं दुकान की बात करूँ तो कितने की पड़ेगी सर? 13.5 लाख की है भैया, 10x18 10x18 छत के साथ, छत के साथ, सब में 80% बैंक लोन है भैया, 80% मकान पे, 80% प्लॉट पे और 80% दुकान पे। और आपकी अगर आपका जो मतलब प्रोफाइल है अगर आपकी एकदम ओके है तो आपका जो आरवाई
आरवाई मेरे से बढ़िया कोई नहीं देगा, 8.88 का आरवाई दूंगा मैं आपको। 8.88 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है हाउसिंग का। हाउसिंग का सर, क्या बात है। और 2,67,000 रुपए सब्सिडी के साथ दूंगा सर मैं आपको। गुड भैया ये बताओ सबसे छोटा साइज प्लॉट का और मकान का क्या है हमारे पास में अभी? सबसे छोटा साइज वैसे तो हम 50 गज देते हैं, लेकिन कोई भाई ऐसे होते हैं जिनका 50 गज का बजट नहीं, तो मैं उनके लिए लेके आया हूँ 40 गज में मकान, और 40 गज में प्लॉट भी ले सकते हैं आप। जैसे ये 40 गज का ये जो मकान देख रहे हैं ये तो है 45 गज में, लेकिन मैं आपको 40 गज में मकान बना के दूंगा, एक मंजिल का मकान बना के 18.5 लाख रुपए का, जिसमें आप 3 लाख रुपए जमा करो और बाकी का आपका बैंक लोन हो जाएगा। और प्लॉट भी मिल जाएगा? प्लॉट भी मिल जाएगा सर। ये बताओ 40 गज में मत्था फ्रंट कितना दोगे? 40 गज में जो आपका फ्रंट आएगा भैया वो आएगा 13.5 फुट का फ्रंट आएगा।